बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी डब्ल्यू बेसिक यूनिट नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसकी बेसिक कुछ कमांड्स और कुछ स्टेटमेंट्स कर रहा हम लोग ने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था, आज भी स्टडी करना है, ठीक है। तो लास्ट टाइम अगर मैं आप लोगों को मैं बुक से दिखाऊँ कि बुक से हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, एक सेकेंड। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ ये देखें, ये कमांड्स जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जी डब्ल्यू बेसिक कमांड्स, ठीक है, बेसिक कमांड्स। और लास्ट टाइम हमारा कमांड्स वाला टॉपिक जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है। ये देखें, रीनम कमांड भी हो गई थी, ये भी हो गया था, सिस्टम कमांड भी डिस्कस कर लिया था, कौन कमांड। अच्छा, लास्ट में कौन कमांड तक हम लोगों ने बात की थी, तो ये हमारा जो है आप लोग कह लेंगे टॉपिक और लेक्चर जो है वो क्या हो चुका है, कमांड्स हमारी बेसिकली ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, आगे है बेसिक स्टेटमेंट्स। तो बेसिक स्टेटमेंट्स आज बेसिकली हमारा टॉपिक है, ठीक है। बेसिक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लास्ट ईयर हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता हो। सबसे पहले जो हमारी बेसिक स्टेटमेंट है वो है एंड स्टेटमेंट, और लिखता है दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्लोज ऑल फाइल्स एंड रिटर्न्स टू कमांड लाइन, ठीक है। मतलब ये कि अगर एक प्रोग्राम लिखा है तो अगर आप प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, एंड कमांड को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेंटेक्स देखें, सिंपल लिखा हुआ है एंड। आगे आर ई एम कमांड में लिखा है दिस इज अ नॉन एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट एंड इज यूज टू एड एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स का क्या मतलब होता है आप लोगों को मैं जरा एक सेकेंड बता देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट नेम के साथ ये एरोस लगे हुए हैं, ठीक है। ये एरोज लगाने का मकसद ये है, हमें ये बता रहा है कि ये जो मैं अभी नीचे काम करने जा रहा हूँ ना, ये किस चीज़ का है, ये फर्स्ट नेम के ऊपर काम हो रहा है। इसी तरह आप लोग यहाँ नीचे आ जाइए, देखिए ये डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ के नीचे ये जो इसने लिखा है ना, बेसिकली ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है। एग्जीक्यूटेबल का मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी आउटपुट में रिजल्ट में हमारे पास शो नहीं होगा। ये सिर्फ हमारी जब अगर मैंने कभी कोई 5-6 दिन बाद, देखो 10 महीने बाद, या कभी मैं इस कोड को दोबारा देखूँगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि जिसके नीचे मैं डेट ऑफ बर्थ का काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं और नीचे आ जाता हूँ तो ये देखेंगे जेंडर के भी एक ऑप्शन नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होती है ना, ये होती है एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स, और इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपने जो है वो अपनी आसानी के लिए, ताकि जब हम बाद में कभी इसको इस्तेमाल करें तो हो जाए। इसका सेंटेक्स देख लें, आर ई एम ब्रैकेट में रिमार्क्स लिखा है, और ये आ गई है, ये जो सिंबल है ना, आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, आपने ये यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ये इशू बन जाएगा कंप्यूटर में, आप लोग यूज़ करेंगे तो वो कंप्यूटर तो समझ जाएगा, लेकिन आप लोग कंप्यूटर में सिंबल इस तरह के हैं, या आप लोग के सामने जो है कॉमास इस तरह के हैं, ये कॉलन इस तरह के, आप लोग इसे मिक्स कर दें, तो इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये उसने एक प्रोग्राम भी लिखा है, तो आप लोग इसको भी ज़रा देखें। सबसे पहले वो कहता है जी 10 पे उसने लिखा है आर ई एम दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 2 नंबर। ये लाइन एग्जीक्यूट या आउटपुट में नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं साथ साथ इसको बेसिक पे करके दिखाऊं, जी डब्ल्यू बेसिक, ठीक है, तो आप लोगों को मैं यहाँ दिखाता हूँ कि एक्चुअली यानी कैलकुलेशन होती किस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, हम लोगों ने लिखा 10, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं आर ई एम, आगे लिखा है जी दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज, आगे देखें 20, हम लोगों ने कह दिया ए इज इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू, ये यानी हमने खुद अपनी तरह से सपोज किया, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ पे जो इसमें देखें, यहाँ लिखा है डिस्प्ले द एवरेज, इस लाइन को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, हम लोग डायरेक्ट जो है वो प्रिंट के ऊपर आ रहे हैं, प्रिंट। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं जी प्रिंट ए वी जी, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं जी एंड, ठीक है।
अब ये ओके हो गया। अब आप लोगों को अगर पता हो तो शॉर्टकट की क्या है हमारे पास जो है प्रोग्राम को रन करने की, वो है F2, ठीक है। तो मैंने उसी को यूज़ करते हुए ये आप लोगों के सामने 20 कर दी, ठीक है। और हमारे पास दूसरी शॉर्टकट की ये भी मुझे एक्चुअली याद नहीं है, तो आप लोगों को इसी से काम चलाना पड़ेगा। अगर आप लोग इसकी कैलकुलेशन करें तो एवरेज कितना आ गया 20। अब आप लोग यहाँ पे दो चीज़ें देखें, यहाँ पे मैंने जो है ये डिस्प्ले द एवरेज को इग्नोर किया, ये आप लोग कर सकते हैं। ये सिर्फ हमने बताने के लिए समझाने के लिए लिखा, ये 10 पे लिखा था रैम यानी जो मैंने कमांड यूज़ की थी। ये दिखाने का मकसद ये है कि ये आप लोग देखें ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, यानी इसका कोई हमारे प्रोग्राम के ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये आप लोगों ने देख लिया, मैंने एक प्रोग्राम रन करके दिखा दिया है। और इसी तरह स्टॉप कमांड के अंदर, इस कमांड इज यूज टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्परेरी, यानी अगर आप लोग स्टॉप करना चाहते हैं, अगर आप एक काम करें आप लोग रुकना चाहते हैं तो आप लोग स्टॉप कमांड को यूज़ करेंगे। सेंटेक्स लिखा हुआ है स्टॉप और यहाँ पे उसका इंटरप्रिटेशन है, बस इतना ही, ठीक है। तो ये हमारा आज का, आप लोग कह लें आज का टॉपिक था, ठीक है। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों को कोई इशू हो, कोई आप लोगों को क्वेश्चन हो, तो आप लोगों ने कमेंट करना है, मैसेज करना है, ताकि आप लोगों को जो है इसका आंसर किया जा सके। इंशाल्लाह आप लोग से अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, खुदा हाफिज़।